अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अंजुम निकाम जगत को बर्खास्त करो, उमा पे उनसे साठ घाट करने वाले अंजुम निकाम जगत को बर्खास्त करो, अंजुम निकाम जगत मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के ठीक बाहर। जैसा आप सभी को पता है कि विधानसभा सत्र अब शुरू हो गया है और आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पे मौजूद है, विधानसभा कूच कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। चलो देखते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं कि वो आज विधानसभा कूच करते हैं या क्या क्या कुछ सोचा है उन्होंने आज सरकार से मांग करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, यहीं के लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, जैसे आज आप विधानसभा कूच कर रहे हैं, आज तो क्या क्या मांगे रखी है सरकार से आपने? असल में हम कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में भी आए हैं और हमारी मांगे जोड़ी हैं उन्होंने अपनी उसमें, तो एक तो यही है भूमि अधिग्रहण वाला जो नेशनल हाईवे ये लोग बना रहे हैं उसके लिए। दूसरा क्या है कि महिलाओं पे हिंसा बढ़ रही है, जो अंकिता वाला मामला है उसमें वीआईपी का अभी तक पता नहीं चला। देवाल के अंदर भी एक दलित महिला से हुआ था की हत्या हुई थी, उसमें भी बीजेपी का नेता, ये वनंतरा में भी आपको पता ही, अंकिता वाले में एक मामला और है, यहाँ ये मनाली करके थी हर्रा वाला में उसमें भी जो है उस लड़की के उसमें मामले में कोई कार्रवाई नहीं, हत्या की। एक और मामला है जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों का मामला है। आप जानते हैं हमारा संगठन तो बैनर सहित पूरे आंदोलन के अंदर था और हम बहुत बराबर डेली सड़कों पर उतरते थे। ऐसी औरतों ने भी अलग जगह सड़कों पर जो घर में जाके मार खाती थी फिर कि बहुत नेतागिरी करके आ रही है, ऐसी मार खाती थी और सड़कों में पुलिस से मार खाती थी, पुलिस का उत्पीड़न सहती थी, लेकिन बावजूद इसके वो घर में भी डर के मारे बताती नहीं थी। तो क्या ऐसे लोगों को ये चिन्हित नहीं करेंगे जो हमारे पुराने, मतलब जिनको इन्होंने मान लिया है आंदोलन? मैंने तो लिया ही नहीं था आंदोलनकारी का कार्ड, हमने इसके लिए नहीं लड़ी थी आंदोलन की लड़ाई, लेकिन जो पुराने जिनको इन्होंने मान्यता दे दी है, अगर वो देते हैं लिख के कि ये आंदोलनकारी है तो क्यों नहीं उनको आंदोलनकारी मान रहे हैं? और अपने आप इन महिलाओं के, मतलब उन पर रेप भी हुआ, उन पर लैंगिक हिंसा हुई, उन पर तरह तरह की वो शहीद भी हुई इसमें, लेकिन उसके बावजूद आज वो मलाई खा रहे हैं, आज वो ऐश उड़ा रहे हैं, आज यहाँ की ज़मीनें बेच रहे हैं, आज भूमाफिया यहाँ पे सक्रिय है, आज बेटियों पे हमले हो रहे हैं, यौन हिंसा हो रही है, सिर्फ बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और वो मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में इन्होंने सुरा और सुंदरी का माहौल बना दिया है, आप देख रहे हैं ना तमाम रिजॉर्ट। हम तो गए थे अंकिता वाले मामले में छानबीन करने, दो टीमें बनी थी, एक ऋषिकेश गई थी, एक पौड़ी उसके घर गई थी, और होटल रिजॉर्ट के मालिक ने कहा, एक जो दूसरे थे अच्छे सज्जन व्यक्ति थे ऋषिकेश के एक, कि इन्होंने बहुत सारे रिजॉर्ट बिना रजिस्ट्रेशन के दे दिए हैं। और जो वनंतरा, जब हम पर्यटन विभाग के अंदर गए तो पर्यटन विभाग की जो अध्यक्ष थी उन्होंने कहा कि अरे यहाँ के व्यू देखने के लिए लोग आते हैं, सुरा और सुंदरी वाली बात। मैंने कहा वनंतरा में हम गए थे, हम 7 महिलाएं थी और 87 पुलिस वाले थे और वहाँ इतना दहशत वाले इलाके में वो वनंतरा है, और आपने देखा कि रेनू बिष्ट जिसके रिजॉर्ट के सामने जिस तरह से शराब चल रही थी, अधनंगे लोग शराब पी रहे थे, तो ये बहुत घृणा के काबिल है। हमने जब उन अच्छे होटल मालिक से पूछा कि क्या आपके यहाँ अंदरूनी शिकायत कमेटी है, तो उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं हैं। सर, जैसे आज आपने क्या बोलते हैं कि विधानसभा कूच किया है, तो क्या क्या सोचा आपने, मतलब क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी सरकार से सबसे पहली और बड़ी सरल मांग यह है कि सरकार बनके आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता सही से चलाइए, सुशासन का वादा करके आए हैं तो सुशासन दीजिए, जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था तो जीरो टॉलरेंस दीजिए। ये विधानसभाओं में बैकडोर भर्ती कर देना, अपने चहेतों को रख देना, जो बच्चे बेचारे पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे के पास हुए यहाँ बैठे हैं 228, उनकी नियुक्तियों को कुछ ना कहना, मृतक आश्रितों को नौकरी ना देना, विभागों को कर्जों में डुबा देना, इस तरह के शासन के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल प्रखर रूप से आया है। मैम, आप क्या कुछ कहेंगे आज?
आज उत्तराखंड क्रांति दल पूरी दल के साथ यहाँ पे दल बल के साथ विधानसभा कूच के, लेकिन हमें यहाँ पे प्रशासन की जो ये पुलिस सारी इन्होंने हमें यहाँ पे ही रोक दिया गया है, क्योंकि हम जनता के अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं ना, तो वो ऊपर से लोग चाहते हैं कि ये अधिकार की जो लड़ाई है यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन जनता देख रही है आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग इन बच्चों के अधिकार के लिए, इन मातृशक्ति के अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा इस समय उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का है, आप देखिए 3 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारी महिलाएं इसमें कोयल घाटी में भी अमरण अनशन पे बैठी उत्तराखंड क्रांति दल के, और भी उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसा दल है जो हमेशा जनता के हितों के लिए लड़ा है। भले जनता ने उन पर कहीं आरोप लगाए, बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा इन पर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हमने ग्राउंड में आके देख लिया कि हमें जनता सिर्फ इनको भ्रमित किया जा रहा है जनता को, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा जनहित के लिए लड़ा है, पहले से ही लड़ा है। और आज मैं इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हमारे उत्तराखंड का भला तब तक नहीं सोचता जब तक हम टुकड़ों टुकड़ों में बैठे। आज यहाँ पे कई संगठनों से यहाँ पे लोग आ रखे हैं, लेकिन यदि ये संगठन एक हो जाए तो मुझे लगता है कोई भी ताकत उत्तराखंड को खत्म नहीं कर सकती, उत्तराखंड की ताकत को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए हमारी पूरे जितने यहाँ संगठन आ रखे हैं, सभी संगठनों से मेरा, उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ मैं, इस नाते बोल रही हूँ कि मातृशक्ति से, समस्त बच्चों से, युवाओं से, कि इस पूरे संगठन को एक होना पड़ेगा। यदि उत्तराखंड आपने संवारना है तो टुकड़े टुकड़े में हमको विभाजित नहीं होना पड़ेगा। यदि हमारी ताकत एक हो जाए तो मुझे लगता है उत्तराखंड पे किसी और का जोर चल ही नहीं सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। आज हमें यहाँ पे ज्वलंत मुद्दे और भी हैं, भ्रष्टाचार का जो मेन मुद्दा है आपने देखा है, इसमें जिन बेचारों को नौकरी दिया उन्होंने तो बड़ी रकम दे के नौकरी लगे हैं वो, लेकिन जिनके द्वारा लगाए गए, जिन्होंने पैसे लेके लगाया, उनको सरकार साफ साफ बचा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, सरकार उनको साफ साफ इसलिए बचा रही है क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री क्या उसमें बैठे हैं पद में। यदि वास्तव में रितु खंडूड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ईमानदार हैं, अपना थोड़ा भी ईमानदारी का परिचय देते हैं, तो सबसे पहले पदमुक्त उनको कर देना चाहिए जिनके माध्यम से ये बैकडोर से भर्तियां हुई हैं। जो भर्ती हुई हैं उनसे पैसे भी चले गए, उनकी नौकरी भी चली गई, दोष उनका नहीं है। दोष जो भ्रष्टाचार, जो पाप कराने कर, मतलब कर, जो करवाता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। तो इन्होंने इनको तो बचा दिया जिनके माध्यम से ये लगे थे। इनको इसमें प्रेमचंद्र अंगुराल जी हैं, कुंजवाल जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने अपने कार्यकाल में नेपाल से लाके यहाँ पे लोगों को लगाया है, उनके फर्जी आय प्रमाण पत्र बना के, आधार कार्ड बना के उनको लगाया दिया गया। क्या उत्तराखंड में हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे नहीं हैं, हमारे भाई लोग नहीं, सारे बेरोजगार नहीं घूमते? तो आज मुझे लगता है आंदोलन के लिए यहाँ एक भी बच्चा कहाँ से मिलता है यदि इनको रोजगार। सबसे बड़ा ये इनका भ्रष्टाचार इनके पापा से शुरू हो रखा है। आ रही तो खंडूड़ी जी, सिर्फ यहाँ वंशवाद चल रहा है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी कमी है कि वंशवाद को 10 पीढ़ियों को बचा रहे हैं, लेकिन हमारी तो एक एक दो दो पीढ़ी भी बर्बाद हो गई। एक पीढ़ी में हमारे ऐसे बच्चे आज यहाँ पे हमारे हैं भाई लोग कि जिनकी उम्र 45 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे कोर्स कर रखे इन्होंने, लेकिन वो ना घर के ना घाट के आज कहीं के लायक भी नहीं रहे, और इन्होंने अपनी 10-10 पीढ़ियों को बचा दिया, वंशवाद चला रहे हैं। अपने बेटे को भी नौकरी, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बेटी को भी नौकरी, बेटे को भी, बहू को भी, कहाँ का सिस्टम है? मंत्री भी आप, रोजगार भी आपके लिए, और सत्ता का सुख भी आप भोगो। जनता इतनी बेवकूफ़, सिर्फ जनता का आप सिर्फ शोषण कर रहे हैं, जनता का फायदा उठा रहे हैं, जनता का इस्तेमाल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में पूरे देश में उत्तराखंड की ही जनता एक ऐसी जनता रह गई जो बिकने लायक है और जो अपने अस्तित्व का जिनको पता नहीं है। इनका यह अस्तित्व था, राज्य लिया इन्होंने अपने बल पे, और आज अपने बल का प्रयोग नहीं समझ रहे। तो मैं इसी माध्यम से समस्त जनता, उत्तराखंड की जनता को पहले प्रणाम करती हूँ और बोलती हूँ कि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। तुम्हारे 2 पीढ़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, 2 और हो जाएंगी, इसके बाद उत्तराखंड का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। अभी हमारे साथ मौजूद है जाइडस कंपनी के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनकी क्या क्या मांगे हैं सरकार से, क्यों वो आज धरने में आके बैठे हैं, इनसे ही सीधा बातचीत करते हैं, बताइए सर। जाइडस कंपनी जो सिटकुल में बनी है आज, सर पहले आप जनता को ये बताइए कि जाइडस कंपनी होती क्या है, क्या आपका मतलब काम है और क्या करते हैं? जाइडस कंपनी में ग्लूकोज और ग्लूकोंडी अन्य चीज़ें बनती हैं, जिसमें 1200 श्रमिक कार्य करते थे, और अचानक आज से 3 महीने पहले, 6 महीने, 5 महीने पहले, 5 महीने पहले जब श्रमिक वहाँ काम के लिए जाते हैं तो एक बोर्ड लग जाता है कि आज से कंपनी बंद ही कर गई है, क्योंकि ये श्रमिक जो काम कर रहे हैं वहाँ से, लगातार 12 श्रमिक जो बेरोज़गार हुए हैं, और आज 1200 श्रमिक जो बेरोज़गार हुए हैं, 166 दिन हमें होने को जाते हैं वहाँ पर धरने बैठे, पर कोई भी सरकार का ना मंत्री, ना विधायक और ना कोई श्रमिक विभाग से कोई आने को तैयार नहीं हुआ, और हमने आज देहरादून कूच किया। अगर शीघ्र ही इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो सारे
छात्र जो यहाँ पर युवा जो बेरोजगार बैठे हैं, तो एक ऐसा आंदोलन करिए जिसमें सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी। आपने धरना कहाँ बैठ के किया था सर? हमने जाइडेंट जो कंपनी है उसी के गेट के आगे किया था। ठीक है, तो वहाँ से तो कितने लोग आते जाते होंगे, बड़े बड़े मंत्री आपको अनदेखा कर रहे थे? बिल्कुल अनदेखा, कोई किसी सरकार का एक पुलिंदा वहाँ पर पूछने नहीं आया कि भैया इतनी देर से आज 6 महीने होने को जाते हैं बेरोजगार युवाओं को वहाँ पर बैठे हुए। जहाँ पर सरकार बात करती रोजगार देने की, वहाँ पर 1200 आदमी बेरोजगार बैठा है, पर किसी ने आज तक छू नहीं की कि आखिर ये जो बेरोजगार हुए युवा बैठे हैं जरा इनकी खोजबीन करें, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर शीघ्र इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो एक जन आंदोलन होगा। कुछ आपको मैसेज आया था कि आप... मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया, एकदम से नोटिस चस्पा कर दिया था फैक्ट्री के गेट पे, मैसेज वगैरह हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे तो 3 महीने से आप लगातार ऐसे बेरोजगारी? हाँ, 166 दिन हो गए, 5 महीने से ऊपर हो गया। तो आगे क्या सोचा, कब तक धरना जारी करेंगे आप? हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हम सभी श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा। वहाँ पर 1200 लोग कार्यरत हैं और 1200 लोगों के साथ उनकी फैमिली भी आज सड़कों पर परेशान भटक रही है, तो जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और आगे को और बड़ा स्वरूप भी देंगे। तो आप उम्मीद रखते हो क्या देहरादून आप आ गए हो? जी 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 जी, उत्तराखंड सरकार है हमारी, तो जी उम्मीद रखते हो आप देहरादून आ गए हो, धरना दिखा रहे हो आप, विधानसभा के एकदम बाहर हो आप? जी 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 जी, तो क्या लगता है आपको मुख्यमंत्री सुनेंगे आप? मुख्यमंत्री ने सुनना चाहिए कि उन्होंने प्रदेश के युवाओं को मतलब एक छलावा दिखाया, इसका मतलब तो हम यही मानेंगे कि प्रदेश के युवाओं के साथ ये कह दिया गया यहाँ का युवा बेरोजगार नहीं होगा, युवा को रोजगार का संरक्षण देने की बात करते हैं, और एक तरफ यहाँ पर रातों रात उद्योग ऐसे पलायन करके भाग जाते हैं कि जो लगा हुआ रोजगार है वो भी आज बेरोजगारी की स्थिति में रोड में खड़ा है मजदूर। तो जैसे आपने देखा कि अलग अलग संगठन के लोग अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर आज विधानसभा कूच कर रहे हैं और सरकार पर साफ साफ आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं। जब हमने महिलाओं से बात करी तो महिलाएं का भी साफ साफ ये कहना है कि सरकार हमें साफ साफ अनदेखा करती नजर आ रही है, और अब हमें देखना ये होगा कि जो सरकार है आगे क्या कुछ कार्यवाही करती है और क्या कुछ समाधान निकालती है। और हमने ये भी देखा कि जहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस भी अपने कामों को लेकर एकदम सतर्क नजर आ रही है। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, कैमरामैन सचिन के साथ मैं नंदिनी गुरुंग, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।